COVID-19 पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों को स्प्रेड हो चुका है एंड डेथ टोल 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है। वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरीके से रियून हो चुकी है एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के ऊपर आ चुकी है कि वो कोरोना वायरस का इफेक्टिव ट्रीटमेंट ढूंढे। बट सबसे मेजर इश्यू विद कोरोना वायरस और COVID-19 इज दैट अभी तक हमें इसका क्यों नहीं मिल पाया है। इवन WHO ने उन कंट्रीज को बैक किया है जो SARS-CoV-2 वायरस को ब्लॉक करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, एक वायरस जो COVID-19 को कॉज करता है। आप देख रहे हैं सिल्वी लर्निंग एंड आइए देखें आज की वीडियो में मेडिसिंस और ड्रग दैट कैन क्योर और हैव द पोटेंशियल टू क्योर COVID-19। वी हैव एन एंटीवायरल ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर जो कि डेवलप्ड हुई है टू ब्लॉक इन्फेक्शन रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड कैन इवन ब्लॉक इबोला। ये वन ऑफ द मेडिसिन है जिसमें WHO खुद इंटरेस्ट ले रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस पर काम कर रहे हैं। रेमडेसिविर ने काम करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट SARS-CoV-2 इन अ सेल डिश प्रेजेंट इनसाइड लैब। रिपोर्ट्स हैं दैट द वायरस इज डूइंग ग्रेट फॉर अ माइस जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। रेमडेसिविर टारगेट करता है उन की वाइटल प्रोटीन्स को जिससे वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता एंड हेंस प्रिवेंट्स वायरस फ्रॉम वर्किंग। नेक्स्ट ड्रग इज रिटोनविर जो एक ड्रग कॉम्बिनेशन है यूज्ड अगेंस्ट वायरसेस लाइक HIV। ये ड्रग उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से रेमडेसिविर वर्क करता है, दैट इज ब्लॉकिंग की वायरल प्रोटीन। ये भी लैब सेल्स एज वेल एज माइस पर काफी सक्सेसफुल रहा है। ये नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी यानी इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी एक ऑल्टरनेट है जो मलेरिया को ट्रीट करने में काफी यूज होता है एंड इनसाइड लैब इट वॉज एबल टू ब्लॉक SARS-CoV-2 वायरस। बट आउटसाइड लैब दैट इज इनसाइड ह्यूमन बॉडी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है मेडिसिन। हियर इज द कार्ड टू द वीडियो एज टू व्हाई द यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज नाउ बीइंग स्टॉप्ड। इन सारे ड्रग्स में एक चीज कॉमन है, ये सारी की सारी ड्रग्स और मेडिसिंस ब्लॉक करती हैं SARS-CoV-2 को। बट देयर आर टू अदर ट्रीटमेंट्स जो वर्क करते हैं बाय टेकिंग सम डिफरेंट अप्रोच। फर्स्ट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल एंटीबॉडीज होता है फ्रॉम अ पर्सन जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस था एंड ही हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। दोज एंटीबॉडीज को पहले ही पता है हाउ टू फाइट फ्रॉम द वायरस एंड हेंस अभी तक के ट्रायल में इट सीम्स दैट दिस मेथड इज वेरी सेफ। अदर वन इज ब्लॉकिंग आवर ओन इम्यून सिस्टम। द मेथड इज वेरी वियर्ड एज वेल एज रिस्की बट COVID-19 के सिवियर केसेस में डॉक्टर्स हैव सीन दैट ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करती है एंड डैमेजेस लंग्स एंड बॉडी। सो इन सिवियर केसेस वी कैन सप्रेस आर इम्यूनिटी जिससे इट वॉन्ट हर्ट आर लंग्स एंड हेंस बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज वी कैन ट्राई टू रिकवर सम वेरी सिवियर केसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।